सोने का घोटाला हो गया, आप प्रकार लोग क्यों नहीं उठाते हो? तो जब वहाँ पर घोटाला हो गया तो अब आप दिल्ली में केदारनाथ बना लोगे, वहाँ पर फिर दूसरा घोटाला करोगे। 228 किलो सोना केदारनाथ से गायब कर दिया गया, ये कहाँ का नियम है? क्यों नहीं उठाते हो प्रेस वाले इस बात को? आज तक कोई जांच तक नहीं बैठाई गई। 228 किलो सोना का घोटाला केदारनाथ में हो गया, कौन जिम्मेदार है? क्यों इस बारे में जांच नहीं होती है? क्यों भाई इस बारे में निर्णय नहीं होता है? और आप कहेंगे हम दिल्ली में ही केदारनाथ। देखिए, एक संत के रूप में स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी का मैं बेहद सम्मान करता हूँ, और वो शंकराचार्य हैं अथवा नहीं है इस बहस में मैं भी नहीं पढ़ना चाहूंगा, किंतु इतना मैं बताना चाहूंगा कि संत होने के बावजूद स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, रिकॉर्ड संख्या में प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर आप देखेंगे, इतना तो कोई राजनेता भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता है, और उसमें विवाद पैदा करना, कुछ न कुछ सनसनी फैला करके चर्चाओं में रहना उनका इतिहास रहा है। अभी उनका एक बयान आया है कि केदारनाथ में सोना चोरी को लेकर के, मैं स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी से अनुरोध करूंगा कि अगर उनके पास कोई तथ्य है तो तथ्य सामने लाएं, और वो किसी सक्षम अथॉरिटी के पास जाएं, जांच करने के लिए अनुरोध करें, हाईकोर्ट में जाएं, सुप्रीम कोर्ट में जाएं, जनहित याचिका लगाएं, जांच की मांग करें अगर उनके पास में कोई तथ्य हैं। केवल सनसनी पैदा करने के लिए, विरोध करने के लिए और कांग्रेस के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। देखिए, केदारनाथ धाम के गर्भगृह को स्वर्ण मंडित कराने के लेकर के जो विवाद उत्पन्न किया जा रहा है, उसमें हम पहले भी स्पष्ट कर चुके हैं और सारे तथ्य मीडिया के समक्ष हम रख चुके हैं। फिर भी उसके बावजूद मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि जो भी केदारनाथ धाम में जो गर्भगृह को स्वर्ण मंडित कराया गया, उसमें मंदिर समिति की अथवा प्रदेश सरकार की कोई भूमिका नहीं रही है। जिन दानदाता ने ये स्वर्ण मंडित कराया है, उन्होंने अपने ज्वेलर्स के माध्यम से खुद ही ये सारा कार्य संपादित कराया है। ना उन्होंने मंदिर समिति को सोना खरीद करके दिया, ना मंदिर समिति ने सोना खरीदा, मंदिर समिति ने अपने स्तर से कोई भी कार्य नहीं किया। जो भी कार्य हुए वो दानीदाता ने अपने ही माध्यम से ये संपादित कराए हैं, और उन दानीदाताओं ने इससे पूर्व काशी विश्वनाथ से लेकर सोमनाथ से लेकर मुंबई के सिद्धि विनायक से लेकर अयोध्या में राम मंदिर से लेकर तमाम स्थानों पर स्वर्ण मंडित कराने का बहुत काम किए हैं। बड़े दानीदाता हैं, पावन और पवित्र उनकी भावना है। दानीदाता की भावना को भी ठेस पहुंचाने का ये दुष्प्रयास किया जा रहा है, विरोध कर रहे हैं। जिन लोगों को किसी प्रकार की शंका है, वो उस संदर्भ में तथ्य दे और सक्षम स्तर पर जाए, सक्षम स्तर पर सक्षम जांच एजेंसियों को इस संदर्भ में उनके पास तथ्य है तो प्रस्तुत करें, जांच का अनुरोध करें, कोर्ट में जाएं, कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल करें और जांच का अनुरोध करें अगर उनको किसी प्रकार का कोई शक सुबह है। इसके अलावा मैं यह भी स्पष्ट करना चाहूंगा कि जैसे कि कहा जा रहा है कतिपय बार कि 228 किलोग्राम सोना था, 230 किलोग्राम सोना था, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि वहां पर सोने की प्लेटें लगाने से पूर्व में गर्भगृह में चांदी की प्लेटें थी, और चांदी की प्लेटों का जो वजन था वो 230 किलोग्राम के करीब था। तो कुछ मीडिया कर्मियों ने अनुमान लगाया कि जब 230 किलोग्राम चांदी की प्लेटें हैं तो सोने की प्लेटों का वजन भी इतना ही होगा। जब चांदी और सोने की प्लेटों में बहुत अंतर होता है, चांदी तो चांदी की ही पूरी तरीके से शुद्ध प्लेट होती है, चांदी की ही, और जो स्वर्ण मंडित कराया जाता है वो तांबे की प्लेटों पर सोने का वर्क चढ़ाया जाता है, सोने की लेयर चढ़ाई जाती है, पूरी तरीके से सोने की ही प्लेट नहीं लगती है। तो आप देश भर के किसी भी मंदिर में जा सकते हैं, गोल्डन टेंपल से लेकर के जितने भी मंदिर हैं, सब जगह जहां भी स्वर्ण मंडित कराने का कार्य किया गया है, वो तो तांबे की प्लेटों पर ही सोने की पत्थर चढ़ाई जाती है, लेयर चढ़ाया जाता है। तो इसी प्रकार से केदारनाथ धाम में भी लगाया गया है, और जो केदारनाथ धाम में सोना लगा है वो लगभग 23 किलोग्राम के लगभग है, और उस पर जो सपोर्ट के लिए जो वो है तांबे की प्लेटें जो है उनका 1000 किलोग्राम के करीब उनका वजन है। तो इसलिए जानबूझ करके और दुर्भावनापूर्ण तरीके से इस प्रकार की बातें की जा रही है, विवाद उत्पन्न किया जा रहा है। आप जानते हैं कि आज माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयासों से, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से केदारनाथ धाम की यात्रा एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। निरंतर नए नए कीर्तिमान स्थापित हो रहे हैं, बड़ी संख्या में देश विदेश से श्रद्धालु तीर्थयात्री केदारनाथ धाम की यात्रा पर आ रहे हैं। तो कुछ लोगों को इस प्रकार से केदारनाथ धाम की जो यात्रा इतने अपने चरम उस पर पहुंच रही है, इतने श्रद्धालु आ रहे हैं, उनका आकर्षण का केंद्र बना हुआ है केदारनाथ धाम, ये बात उन लोगों को पच नहीं रही है, और वो इसका किसी न किसी प्रकार से धाम की
अपने राजनीतिक स्वार्थों के कारण से धाम की जो पवित्रता है, पावनता है, धाम की जो मर्यादा है, धाम की गरिमा है, उसको भी ठेस पहुंचाने का निंदनीय कार्य कर रहे हैं। और मैं स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी से कहूंगा, उनसे अनुरोध करूंगा कि आप संत के रूप में आपने आवरण संत का पहना हुआ है, तो संत को तो समाज के प्रति और समाज को सद्भावना देने, समाज को अच्छा संदेश देने का उनका प्रयास होना चाहिए। धार्मिक स्थलों की उनको मर्यादा का पालन करना चाहिए, उनकी गरिमा को बढ़ाने का प्रयास किया जाना चाहिए, करना चाहिए। और उनके पास कोई तथ्य हैं, कोई उनके पास कोई साक्ष्य हैं, तो सक्षम स्तर पर जाएं, क्योंकि वो सक्षम हैं, बड़े स्तर के अपने को संत घोषित करते हैं, तो उनके काफी संपर्क भी है, काफी उनका स्तर भी है, तो वो अपने स्तर से सक्षम स्तर पर जाएं और जांच के लिए इसके लिए मांग करें। हम तो निश्चित रूप से अगर जांच होती है तो अच्छा एक कदम भी होगा, क्योंकि किसी प्रकार की किसी को भी कोई शंका नहीं रहेगी और शंकाओं का समाधान होगा। एक ट्रस्ट स्थापित किया जाना जिसका नाम केदारनाथ धाम दिल्ली ट्रस्ट है, और उसमें जाकर माननीय मुख्यमंत्री जी का केदार शिला के साथ वहाँ पहुँचकर उस मंदिर का शिलान्यास किया जाना, और उसकी प्रतिकृति, उसकी आकृति हूबहू केदारनाथ वाली आकृति प्रदान करना, और उसको इस रूप में प्रचारित करना कि जो लोग किसी कारण केदारनाथ धाम की यात्रा नहीं कर सकते, वो दिल्ली में केदारनाथ मंदिर आकर अपनी यात्रा कर सकते हैं। मैं समझता हूँ कि ये हमारी धार्मिक मान्यताओं के और उत्तराखंड के वर्तमान से लेकर भविष्य के हितों के साथ खिलवाड़ है, और इस रूप में हम माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी बीती ताई विसार के आगे की सुध ले, माननीय मुख्यमंत्री जी ये जनता के सामने कहें कि भाई जाने अनजाने जो कुछ भी भूल हुई है हम उसको ठीक कर रहे हैं, हम वहाँ से केदार शिला वापस ला रहे हैं, हम माननीय मुख्यमंत्री जी सरकार में अपने प्रभाव का उपयोग करते हुए उस ट्रस्ट से वार्ता करके उसका नाम कोई अन्य नाम रखे और इसको इस रूप में प्रचारित न किया। हम क्योंकि हमारा जो ज्योतिर्लिंग है उसका स्थान एक ही है, दूसरे स्थान पर धाम नहीं हो सकता है। प्रतीकात्मक रूप से मंदिर क्योंकि अनेक स्थानों पर बने हैं, ऐसे स्थानों पर मंदिर बनते रहे, लेकिन मूल स्थान जो है ज्योतिर्लिंग हमारा उत्तराखंड के अंदर ही है, दूसरे स्थान पर धाम नहीं हो सकता है।